हे एवरी वन वेलकम बैक टू आई यूट्यूब चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल आज के वीडियो में मैं आपके साथ साइट वर्ड्स की कुछ एक्टिविटीज़ शेयर करूंगी तो अगर आप अपने बच्चे के साथ साइट वर्ड्स प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर इन जनरल कोई भी वर्ड्स अगर आप अपने बच्चे को सिखा रहे हो उनकी चाहे वो कैबलरी के लिए चाहे अभी वो साइट वर्ड्स हैं या फिर रैंडम कोई वर्ड्स आप करवा रहे हो तो उस केस में ये एक्टिविटीज़ आप जो हैं वो ट्राई कर सकते हैं तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो इस वर्क बुक से मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये कनेडियन करिकुलम की वर्क बुक है तो जो लोग कनाडा से हमें फॉलो करते हैं इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो इन केस इफ यू वांट यू कैन चेक इट आउट और जो हमारे इंडियन फ्रेंड्स हैं वो इन एक्टिविटीज से आइडिया लेके अपने बच्चे के लिए वर्कशीट जो है वो खुद से प्लान कर सकते हैं तो फर्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ आ, साइट वर्ड्स दिए गए हैं जो कि ग्रेड वन तक के बच्चों को आने चाहिए तो साइट वर्ड्स के लिए मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोज शेयर अपने यूट्यूब चैनल पे उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में फ्री टू डाउनलोड है तो आई हमारी प्रिंट आउट निकाल लीजिए क्योंकि उसमें मैंने डिफरेंट सेट साथ आपके साथ शेयर किए हैं लाइक फर्स्ट बच्चे को कौन से साइट वर्ड सिखाने हैं देन उसके तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी एंड द फर्स्ट एक्टिविटीज यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्राफ की एक्टिविटी है जिसमें

की तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पंपकि बनाए गए हैं और उसमें साइड वर्ड्स लिखे गए हैं और ऊपर यहाँ पे कुछ कलर पंपकिन दिए गए हैं लाइक हर एक वर्ड के लिए एक कलर मेंशन किया गया है और बच्चे को क्या करना है यहाँ पे देखना है लाइक अगर वेन होगा तो उसे रेड कलर करना है अगर ऑल होगा उसे ब्लू कलर करना है तो कलर कोडिंग की एक्टिविटीज भी काफी अच्छी होती है तो आपको जरूरी नहीं है पंपकिन ड्रॉ करने है तो आप सिंपल शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं कुछ फ्लावर्स वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं इट्स टोटली अप टू यू दे कोडिंग एक्टिविटी यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पिक्चर ड्रॉ की गई है और उस पिक्चर में कुछ साइड वर्ड्स दिए गए हैं और यहाँ पे कलर की दी गई है कि कौन से वर्ड के लिए कौन सा कलर करना है तो बच्चे को इस पिक्चर को कलर करना है अकॉर्डिंग टू दिस कलर की तो इस एक्टिविटी के लिए भी आप एवरी डे कोई डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स बच्चे को ड्रॉ करके दे सकते हैं लाइक like, आप सिंपल ट्री ड्रॉ कर सकते हैं देन हाउस की ड्रॉइंग बना सकते हैं या कोई भी बेसिकली कोई भी सिंपल सी ड्रॉइंग बना के आप वर्ड्स को लिख दीजिए और फिर हर

तो यहाँ पे वो विद लिख देगा तो ये वाली एक्टिविटी आप दो बच्चों में भी टर्न बाय टर्न लेके बच्चे ये एक्टिविटी खेल सकते हैं या फिर एक बच्चे के लिए भी आप ये एक्टिविटी जो है वो प्लान कर सकते हैं और जरूरी नहीं है कि आपको इतने सारे बॉक्सेस बनाने हैं आप जस्ट दो बॉक्सेज या फिर तीन बॉक्सेस बना के भी एक्टिविटी दे सकते हैं तो वर्ड सर्च की एक्टिविटीज काफी टाइम से मैं आपके साथ शेयर करती आई हूँ और जब भी मैं चिया को कोई नया कॉन्सेप्ट सिखाती हूँ स्पेशली अगर कोई भी वर्ड सिखा रही हूँ उसे मैं तो वर्ड सर्च की एक्टिविटी तो मैंने इंक्लूड करनी ही होती है तो आप भी ऐसी सिमिलर वर्ड सर्च की एक्टिविटी बच्चे के लिए बना सकते हैं आप एवरी डे कुछ डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स देख के सिंपल सिंपल सी वर्ड सर्च की एक्टिविटी बना दीजिए ऊपर आपको वर्ड्स लिखने हैं नीचे आपने एक्टिविटी बनाई है तो बच्चे को जस्ट यहाँ पे क्या करना है इन वर्ड्स को फाइंड करना है तो जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि ये वाली एक्टिविटी इज जस्ट ऑफ साइट वर्ड्स के लिए नहीं आप कोई भी वर्ड्स अगर बच्चों को सिखा रहे हैं तो आप ये वाली एक्टिविटीज बना सकते हैं अगेन साइट वर्ड से रिलेटेड जो भी मैंने वीडियोज चैनल पर शेयर की है उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी उसके साथ ही साथ जो हमारे साइट वर्ड के फ्री फ्लैश कार्ड है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी सो मेक श्योर टू चेक आउट दि डिस्क्रिप्शन और अगर आज की वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल थी देन प्लीज गिव दिस वीडियो पिक थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू आर चैनल फॉर मोर सच वीडियो थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर वॉचिंग